वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं स्मोकी आइस मेकअप लुक ट्राई करने वाली हूँ फॉर वैलेंटाइन स्पेशल। वैलेंटाइन के लिए मैं मेकअप ट्राई करने वाली हूँ स्मोकी आइस वाला। मैंने ज़्यादा कभी किया नहीं है, बट लेट्स ट्राई क्या बनता है आज। एंड पूरा ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया है एंड उसके बाद से मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। बस लैक्मी का है पॉइंट का। एंड या तो मैं कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, अगर हमने बाहर जाए तो मैं सनस्क्रीन ही अप्लाई करूँगी। जस्ट सो यू कैन सी मॉइस्चराइज हो चुका हमारा फेस। अच्छे से हमने इसको ड्राई करना है एंड इसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। मेरे पास है इनसाइड का प्राइमर, लेनी है हमने इसकी। थोड़ा सा यहाँ पे पूरे फेस पर लगा लेना है। हमारा प्राइमर लग चुका है अच्छे से। इसके बाद वाला स्टेप है, आपको कॉन्टोर कर सकते हो। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप करेक्टर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास है ये कंसीलर प्लस कॉन्टोर एंड करेक्टर, सब कुछ है इसमें। यू कैन सी लिंक मैं आपको किसी प्रोडक्ट का नहीं दे सकती, जस्ट बिकॉज मैंने सभी प्रोडक्ट्स ऑफलाइन ही परचेज किए हैं। सो यू कैन सी गाइज, मैं ऑरेंज करेक्टर यूज करूंगी फॉर माई अंडर आईज। थोड़ा सा हमने यहाँ पे हमारा जो एरिया होता है वो भी ब्लैकिश होता है, हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। मेरे जो फोर हेड वहाँ पे ना टैनिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा टैनिंग है, तो आप थोड़ी सी क्वान्टिटीज की ले के पूरा ऐसे कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो। अगर आपके ऊपर भी बहुत सारे डार्क सर्कल्स हैं, सो यू कैन अप्लाई हियर आल्सो। एंड इट्स टाइम टू ब्लेंड विद ब्यूटी ब्लेंडर। एंड यू कैन सी गाइस, हमारा जो भी करेक्टर था वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अभी हम लगाएंगे फाउंडेशन। आई हैव टू ऑप्शंस फॉर फाउंडेशन, आप कोई भी लगा सकते हो। मैं ये लगा रही हूँ हुड्डा ब्यूटी का। पंप करना है आपको एंड अप्लाई करना है जैसे भी आप अप्लाई करते हो। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अंड्रेस में ज़्यादा प्रोडक्ट हो ले लेती हूँ मैं, तो इसी प्रोडक्ट को मैं ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा डैप कर लेती हूँ। सो गाइज, मेरा जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो चुका है। इट्स टाइम टू अप्लाई दिस लूज पाउडर। लूज पाउडर बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मेकअप नहीं दिखता, तो उसके लिए लूज पाउडर तो बहुत ज़रूरी है। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ ऑयली स्किन वालों के लिए। हमारा फाउंडेशन सेट हो चुका है। अभी हम जस्ट ब्लश अप्लाई करेंगे। ब्लश के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है आई शेडो में से ही, जो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। यू कैन सी आपका ये जो क्रीज आ रही है, अगर आपको नेचुरल रखना, आपको इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। ब्लश लगाने के कई तरीके होते हैं, तो मैं यही लगाती हूँ नेचुरल। एंड थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई करेंगे। सब डार्क हो जाए तो लाइट करना पड़ता है। डार्क लग रहा है बट इट्स नॉट डार्क। जब आप मेकअप करना स्टार्ट करते हो, जब पार्लर या सैलून में कोई भी मेकअप करना आपका स्टार्ट करता है, तो आपको बहुत पैची लगता है, बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, बट जब हो जाता है फिर अच्छा लगता है। ऐसे आपके खुद के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे को यार ये ज़्यादा लग गया, बट नहीं, जब रेडी हो जाते हैं फिर बहुत अच्छा लगता है। तो अब बारी है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए सबसे पहले अगर हमने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखना है या ज़्यादा हैवी मेकअप करें, तब हम सबसे पहले कंसीलर अप्लाई करते हैं ताकि पिगमेंटेशन जो हो अच्छी है। अगर आपके जो पैलेट ऑफ पिगमेंटेशन नहीं है, तो पहले कंसीलर लगाओ फिर करो। तो मैं ऐसे लगा रही हूँ बिकॉज हमने ब्राउन शेड लिया है। ब्राउन के बाद हम हल्का सा ये वाइन शेड लेंगे जस्ट।
यानी ओके सी, मेरे जो इस आई पैलेट के जो पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने इस पर जो फाउंडेशन की क्वांटिटी थी हल्के हल्के ऊपर अप्लाई की थी, एंड दैट्स वाई इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी आई है। यू कैन सी ये ऑरेंज शेड है वो हम अंडर आई पे अप्लाई करेंगे, जस्ट हल्की, बहुत हल्का कलर है। सो एज यू कैन सी मैंने अच्छे से ये लगा लिया है, एंड ये अगला स्टेप है वो बहुत डेंजरस है बिकॉज हम स्पॉकेस करने वाले, तो हम ये सारा ये ब्लैक करेंगे। सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ मैं स्टार्ट कैसे करूँ, ऐसे मैं इस कुछ नहीं कर सकती ध्यान से। ओके सो सबसे पहले मैं ये इसके ब्रश से अप्लाई करूँगी, ठीक है मैं इसे करती हूँ हर बार। ओके इससे मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज ये बहुत लाइट है और इजीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब करूँगी। एंड यू कैन सी हमें ये वाली शेड देनी है, इसके पीछे जो काजल के फॉर्म में होता है वो लेके हमें इसको फिल कर देना है। जब आपसे मैं फिल कर रही हूँ, जो भी क्वांटिटी होगी हमें यहाँ से लेके इसको पूरा आगे तक लेके आना है। ऐसे ही हम इधर भी कर लेंगे, इतना मैसी लग रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, हम बाद में देखेंगे, बाद में नहीं। अभी हमें स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट है, इसमें ब्राउन वाला शेड है जो वो अप्लाई करेंगे। तो ये भी हो गया। सो सबसे पहले हम करेंगे हाइलाइटर, अभी हाइलाइटर रह गया, हाइलाइटर हम ये वाला लगाएंगे। ओके सो सब हो गया, अब हम अप्लाई करेंगे ये रेड लिपस्टिक। आप कोई भी रेड लिपस्टिक ले सकते हो, ये कौन से ब्रांड की है पता नहीं, ये टैग उतर गया, टैग निकल चुका है इसका, आई डोंट नो किसकी है, शेड है 15, आई डोंट नो किसकी है। रेड में लेती नहीं हूँ ज़्यादा बिकॉज मैं लगाती हूँ, फिर हम रेड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। वैलेंटाइन चाहिए यार, रेड रेड होना चाहिए। लुक, मैंने ये विंग्स थोड़ी ऊपर इसलिए रखे बिकॉज मेरी आईज बहुत छोटी हैं और यू कैन सी दिखता ही नहीं है। एंड अब हम इसको करेंगे पूरा स्मोकी। ये एक ऐसा मेकअप है जिसमें आपको लाइनर की जरूरत ही नहीं है। Hey you, तुम्हें भी हक नहीं बनता इतना सुंदर दिखने का, समझ रहे हो? समझ रहा
जब हम ये वाला लगाते हैं काजल फॉर्म वाला, तो हमें ये पाउडर फॉर्म वाले इसके ऊपर रख के ऐसे से टैप टैप करके अप्लाई कर देना है ताकि ड्राई हो सके और फिक्स हो सके, फिक्स हो सके अपनी जगह पर। मैं यहाँ लग रही हूँ कुछ ऐसी, एंड हम थोड़ा सा लेंगे एंड अपनी अंडर आइज पे भी इसको अप्लाई कर लेंगे बिकॉज नीचे खाली लग रहा है। लाइनर नहीं लगाया, मस्कारा तो लगा सकते हैं, लाइनर की तो जरूरत ही नहीं है। ये है ब्लू हेवन का मस्कारा, मैंने मस्कारा लगा लिया। अगर आप किसी नाइट पार्टी के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे शिमर लगा सकते हो, इट्स जस्ट अप टू यू। एंड अगर मेरी बड़ी आइज होती, आपकी बड़ी आइज है तो आपके आपके ऊपर बहुत सूट करेगा, मेरे पे इतना सूट नहीं कर रहा बिकॉज मेरी छोटू सी टिन्नू सी आइज है। सो ओहो, सो गाइज ये थे मेरा आज का मेकअप ट्यूटोरियल जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्समोकीज वाला। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने आई डोंट नो स्मोकी आइज इसी से करते हैं, ये आई शेडो नहीं, आईब्रो वाली पैलेट होती है जो वो होती है, मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा है, ये अच्छा खासा हो गया, मैं और ट्राई करूँगी तो और अच्छा हो सकता है। सो ये था वैलेंटाइन डे के लिए, या अगर नाइट है, नाइट फंक्शन है तो बेस्ट है ऐसे लुक रेड एंड ब्लैक के साथ, तो और भी अच्छा लगता है। बस ऐसा लग रहा है ये, आई होप कि आपको ठीक लग रहा होगा, ठीक ठाक लग रहा होगा, मुझे भी ये ठीक ठाक ही लग रहा है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।